बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैंने सॉल्व करना जी जीएसए 2024 का पेपर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर था। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, उसमें 20 मार्क्स के होते हैं एमसीक्यूज और देन 80 मार्क्स का होता है उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं। अब इस 80 मार्क्स में आते हैं आपके जो टोटल होते हैं 7 क्वेश्चन, उसमें से आपने 4 को सॉल्व करना होता है, जिसमें से 2 जो होते हैं वो आपने साइंस वाले पोर्शन में से सॉल्व करने होते हैं, जो 2 होते हैं वो एबिलिटी वाले पोर्शन से। इनमें से हर एक क्वेश्चन के होते हैं जी 20 मार्क्स, 4 क्वेश्चन है। फिर हर क्वेश्चन के आगे जो है ना 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का 5 मार्क्स होते हैं। आप जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ये पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द ट्यूबरकुलोसिस एंड हेपेटाइटिस। अब ये दो डिजीजें जिसको हम टीबी कहते हैं और हेपेटाइटिस जिसको जंडस कहते हैं या यरकान कहते हैं। ये क्वेश्चन अब जो था ये था 5 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन को आपने दोनों में डिफ्रेंशिएट करना था, दोनों को पहले ये बताना था कि जो टीबी थी वो कौन सी बीमारी है, देन आपने बताना है हेपेटाइटिस कौन सी बीमारी है और फिर उनके काज और ट्रीटमेंट। अब ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, टीबी जो है ये एक पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शन डिजीज है जो मेन इन्फेक्ट करती है, अफेक्ट करती है लंग्स को। क्योंकि टीबी है तो ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस लेने का अमल है लंग्स को, जो फेफड़े उनको अफेक्ट करती है। इट्स कॉज बाय, इसका काजिंग एजेंट कौन सा, एक बैक्टीरिया जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। टीबी जो है वो स्प्रेड हो सकती है एक बंदे से दूसरे तक, किस तरह, क्योंकि जो टीबी डिजीज जब वो बंदा कफ खांसता है यानी या वो छींकता है खींचता है तो उसमें जो होते हैं छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे बंदे के पास चले जाते हैं जब वो सांस लेता है, तो इसकी वजह से टीबी फैल जाती है। काजेज की बात हम पहले कर चुके हैं कि इसका जो काजिंग एजेंट है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकती है स्नीज करने से, कफ करने से, स्पीक से, साइन से, इन सब चीजों से होती है। सिम्टम क्या है जी टीबी के, टीबी के सिम्टम्स आप क्या हैं, परसिस्टेंट कफ के लगातार खांसी जो है ना वो दायमी खांसी जिसको कहते हैं कफिंग अप ब्लड, इतनी खांसी होना कि ब्लड खांसी में आ जाना, फिर चेस्ट पेन, वेट लॉस, फटीक, फीवर, नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आता है और फीवर बुखार होता है, ये सब कुछ टीबी के साइन है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो होती है वो खत्म हो जाती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें टीबी के की, तो टीबी का जो ट्रीटमेंट है टीबी ट्रीटेबल भी है और क्योरेबल भी है। इसके लिए डिफरेंट जो है ना कुछ 3 मंथ का या 6 मंथ का पूरा प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, वो आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है तो टीबी ठीक हो जाती है। मोस्ट कॉमन जो मेडिकेशन है इसमें आइसोनियोनाइज्ड है और फिर रिफामपिन है, एथंबुटोल है एंड पायराजिनामाइड है। ट्रीटमेंट जो होती है वो लॉन्गर भी हो सकती है, ये स्टेंज ऑफ टीबी पे डिपेंड करता है कि टीबी कितने अरसे पे खत्म होती है। ये था टीबी का जी कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, कैसे उसको क्योर किया जाता है। इसके साथ क्वेश्चन में दूसरी चीज आई हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अब जिसको कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, कि जो लीवर की जो इन्फ्लामेशन होती है वो फूल जाता है, सूजन हो जाती है, इसको वो हेपेटाइटिस कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है यानी वायरस की वजह से होता है और इसके डिफरेंट जो है ना वो काजेज हो सकते हैं। देन आगे इसकी फिर टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको इतनी ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं लिखनी होती, कोशिश करना होता है जो फॉर एग्जाम्पल 2 जिसमें चीज़ें आपने लिखनी है या डिफ्रेंशिएट करना है तो उसमें इतना ही लिखें। टोटल जो है ना वो तकरीबन 100 वर्ड तक जो है ना 100, 120, 130 वर्ड तक, फिर भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करता है, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग डिटेल मांगते हैं और कुछ में इतना ही काफ़ी होता है। अब काजेज अगर देखें हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जो है और इनके अपने अपने जो है ना वो हर एक अलग काजिंग एजेंट है। फिर ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अल्कोहल अब्यूज़, ज़्यादा शराब बिनोशी करने की वजह से, सर्टन मेडिकेशन या टॉक्सिन वगैरह की वजह से होते हैं। सिम्टम्स में अगर देखा जाए जंडस हो जाता है जिसमें स्किन येलो हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होता है, डार्क यूरिन जो होता है वो डार्क हो जाता है, एक्सट्रीम फटीक होती है यानी मसल वगैरह में बहुत पेन, टांगों में, फिर नोजिया होता है और देन जो है ना वो इसमें वॉमिटिंग होती है और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख लगना बंद हो जाती है। ट्रीटमेंट अगर देखें तो ट्रीटमेंट ये भी, इसका भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसकी इस टाइप और सिवेरिटी पे, उसकी शिद्दत कितनी है। एक्यूट जो हल्का सा होता है उसके लिए वायरल हेपेटाइटिस के लिए ट्रीटमेंट क्या है कि रेस्ट करें, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, पानी लें और फिर न्यूट्रिशन वगैरह जो है ना वो प्रॉपर रखें। जबकि जब सख्त हो क्रॉनिक हेपेटाइटिस जैसे बी है या सी है वो यूजली जो होता है ना वो एंटीवायरल मेडिकेशन रिक्वायर करता है सिवियर केसेस में, स्पेशली विद हेपेटाइटिस बी एंड सी लीवर ट्रांसप्लांटेशन में भी नेसेसरी। कभी कभी क्या होता है कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी जरूरी हो जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 1 था,
पार्ट बी क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल फॉर सिग्नल, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन। तो आपने मैकेनिज्म ये एक्सप्लेन करना है कि फाइबर ऑप्टिकल जो केबल हैं वो कैसे सिग्नल के लिए काम करती हैं, और दूसरा इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात करें तो ये वो केबल्स होती हैं जो कंटेन करती हैं स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास फाइबर्स। इनके अंदर जो होता है वो फाइबर ग्लास फाइबर्स के जो होते हैं वो इंसुलेटेड केसिंग्स होती हैं। ये डिज़ाइन किए जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ताकि हाई परफॉर्मेंस डाटा नेटवर्किंग के लिए परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन में ये जो फाइबर्स ऑप्टिक होती हैं ये यूज़ होती हैं। दूसरे वायर के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये प्रोवाइड करती हैं हाई बैंडविड्थ और ट्रांसमिट करती है डाटा ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, लंबे जो है फासले तक ये लेके जाती हैं। इनको इंटरनेट कनेक्शंस, केबल टेलीविजन और टेलीफोन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। मैकेनिज्म अगर देखा जाए फाइबर ऑप्टिक केबल्स का, तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं डाटा को लाइट पल्सेस में। इनको अगर कोर को देखा जाए तो कोर जो होती है वो बनी होती है ग्लास की या फिर प्लास्टिक फाइबर की, जो लाइट को कैरी करती है। उसके ऊपर होती है क्लाडिंग, क्लाडिंग जो होती है वो एक लेयर मटेरियल की बनी होती है जो सराउंड करती है कोर को, यानी दरमियान वाला पोर्शन जो होता है वो कोर होता है। नीचे इसकी डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। फिर ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट बैक इनटू द कोर ड्यू टू लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और ये सिग्नल्स को प्रिवेंट लॉस होने से प्रिवेंट करती है, और लॉन्ग डिस्टेंस तक इस वजह से सिग्नल ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें इसकी फाइबर ऑप्टिक्स की, तो कोर होता है इस दरमियान में जो सिग्नल कैरी करता है लाइट सिग्नल्स को। उसके ऊपर क्लाडिंग होती है जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट बैक इनटू द कोर। उसके ऊपर बफर कोटिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है फाइबर को मॉइस्चर से और फिजिकल डैमेज से। देन स्ट्रेंथ मेंबर्स होते हैं जो टिपिकली केवलर कहलाते हैं, ताकि रेनफोर्स करें केबल एंड प्रिवेंट करें, स्ट्रेच होने से प्रिवेंट करते हैं। उसके ऊपर एक जैकेट होती है जो एडिशनल उसको प्रोटेक्शन देती है इन्वायरमेंट से, यानी धूप और सर्दी से। तो ये इसका जो है ना वो प्रॉपर डायग्राम होती है। सेंटर में कोर है, कोर के ऊपर क्लाडिंग है, क्लाडिंग के ऊपर जो होती है कोटिंग, कोटिंग के ऊपर स्ट्रेंथ मेंबर और एंड पे आउटर जैकेट जो होती है। तो ये इसका था मैकेनिज्म के, वो मैकेनिज्म कैसे काम करती है और उसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ आती है। अब क्वेश्चन नंबर टू का जो सी पार्ट है उसमें एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन एंड टर्नेडोस। अब जो मिडल जो लैटिट्यूड साइक्लोन्स होते हैं इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहा जाता है। ये मोस्टली जो होते हैं वो लार्ज एरिया पे होते हैं, और लार्ज एरियाज ऑफ लो प्रेशर, जहाँ पे लो प्रेशर हो कॉमन है इन द मिडल लैटिट्यूड्स, वहाँ पे मिडल लैटिट्यूड्स में ये कॉमन है। दे फॉर्म अलॉन्ग फ्रंट्स इन रीजन वेयर एयर मैसेज विद डिफरेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स मीट। कहाँ पे ये बनते हैं, ये उस जगह पे बनते हैं जहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी होती है वो मिलते हैं। ये साइक्लोन जो होते हैं वो टिपिकली हंड्रेड्स ऑफ माइल वाइड, यानी इतने ये वाइड होते हैं हंड्रेड ऑफ माइल्स, और ब्रिंग वाइड स्प्रेड वेदर चेंज, और मौसम में बहुत ज्यादा इनकी वजह से चेंजिंग भी आती है, जिस तरह बारिश हो सकती है, स्नो हो सकता है, एंड विंड ओवर ए पीरियड ऑफ डेज काफी दिनों तक। तो ये होते हैं मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स। अगर टर्नेडोज की बात करें, टर्नेडोज जो होते हैं वो अदर हैंड इंटेंस कॉलम्स ऑफ रैपिडली रोटेटिंग, एयर जो होती है वो रोटेट हो रही होती है रैपिडली, जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड, ठीक है, थंडरस्टॉर्म से ग्राउंड तक जो है ना वो ग्राउंड तक होती है। ये स्मॉलर स्केल के होते हैं एज कम्पेयर टू साइक्लोन्स। यूजली ये जो होते हैं वो फ्यू हंड्रेड मीटर्स अक्रॉस होते हैं, और इनमें मच शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ये होते हैं। ये कभी कभी सिर्फ कुछ मिनटों में ख़त्म भी हो जाते हैं, जबकि वो जो साइक्लोन मिडल साइक्लोन होते हैं वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं। टर्नेडोज जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट डैमेज कॉज करते हैं, इनका पाथ जो होता है वो हाई विंड स्पीड्स होती है, इस वजह से जो होता है ना वो। इन दोनों में अब की डिफरेंस क्या था, एक तो साइज कि वो जो साइक्लोन लैटिट्यूड साइक्लोन होता है वो बड़ा होता है और टर्नेडोज छोटे होते हैं। ड्यूरेशन देखे जाए तो साइक्लोन जो होते हैं वो ज़्यादा देर रहते हैं, टर्नेडोज कम देर के लिए। फॉर्मेशन प्रोसेस में देखें तो वहाँ पे जो गर्म और ठंडी हवा मिलती है तो तब उठता है, ये थंडरस्टॉर्म तक बनता है, और जो वेदर फिनोमेना है वो बहुत ज़्यादा तब्दीली लाता है, ये सिर्फ क्या कि हाई विंड लाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट सी की अगर बात करें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, गिव एग्जांपल। अब आयनिक बॉन्ड जो है नाम से जाहिर है कि ये आयंस की जो होती है वो जब दो एक या व्हेन वन एटम डोनेट्स, जब एक एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम को, तो इनके दरमियान में जो होता है वो आयन बन जाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको एनायन कहते हैं। एनायन कहते हैं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl में एक बॉन्ड बनता है। दूसरे नंबर पे आता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग तब होती है जब दो एटम जो होते हैं वो शेयर करते हैं एक या एक से
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन और मोर पेयर ऑफ, एक या दो, एक से ज्यादा जोड़े जब इलेक्ट्रॉन के वो शेयर करते हैं तो तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह का बॉन्ड जो है ना वो यूजली नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है जिनमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जैसे वाटर के मालिक्यूल में दरमियान होता है H2O। तो ये मेन डिफरेंस था आयनिक बॉन्ड में, कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पेयर के शेयर जोड़ा शेयर करने से बनता है। तो ये क्वेश्चन था डी में। अब जो है ना यहाँ पे कंप्लीट होता है ये इसका ऑप्शन अच्छा डी था, ठीक है, सी ये था। अब नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो डिफरेंस क्या है प्लास्टिक्स और इलास्टिक्स में, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब जो प्लास्टिक्स होते हैं वो सिंथेटिक, वो भी तैयार किए जाते हैं आर्टिफिशियली और सेमी सिंथेटिक मटेरियल जो दैट आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब है इनको शेप में चेंज भी किया जा सकता है एंड कैन बी मोल्डेड इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, और इनको सॉलिड ऑब्जेक्ट में भी चेंज किया जाता है। ये टिपिकली पॉलीमर्स बने होते हैं ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास के और ऑफन कंटेन अदर सब्सटेंस टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। इनमें कुछ और सब्सटेंस को डाल के इनकी परफॉर्मेंस को वो जो है वो बेहतर बनाया जाता है और कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। प्लास्टिक टेंड टू रिटेन देयर शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म, प्लास्टिक जो होते हैं वो अपनी शेप रिटेन कर लेते हैं अगर इनको एक दफा इनकी शेप बिगाड़ भी दी जाए, जबकि इलास्टिक जो होते हैं वो इलास्टिक मटेरियल होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी होती है, ये इस काबिल होते हैं कि इनको अगर इनके शेप को बंदा खराब भी करे स्ट्रेच करके दोबारा ये अपनी जगह पे आ जाते हैं। हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है यानी लचकदार होते हैं, और इनकी एप्लीकेशन वहाँ पे होती है जी वेयर मटेरियल्स नीड टू स्ट्रेच, उन जगहों पे जहाँ पे मटेरियल को स्ट्रेच की जरूरत होती है उस जगह पे इनको यूज करते हैं इलास्टिक्स को। ओरिजिनल जो होती है स्टेट, जैसे रबर बैंड वगैरह जो है ना वो लोग यूज करते हैं। तो की डिफरेंस इन दोनों में यही है, इनकी फॉर्मेशन स्टेट और शेप ये कैसे अपनी रिटेन रख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन एनवायरमेंटल साइंस, तो अगर इसकी बात करें तो जो रिमोट सेंसिंग है वो प्रोसेस होता है कि जिसमें डिटेक्ट किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को ऑफ एक एरिया। एक एरिया में जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनको, इसमें कोई रेडिएशन वगैरह हैं या डिस्टेंस पे, इन चीज़ों को जो है ना वो, या फिर सेटेलाइट एयरक्राफ्ट से ये मॉनिटर की जाती है रिमोट सेंसिंग में। इन्वायरमेंटल साइंस में ये यूज़ होती है एक तो लैंड को मॉनिटर करने के लिए, यूज़ लैंड का यूज़ और लैंड कवर, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए। फिर चेंजेस, जो चेंजेस आती हैं, असेसिंग इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं, उनको असेस करने के लिए। डिफॉरेस्टेशन ट्रैक करने के लिए, कहाँ पे जो है ना वो दरख्त वगैरह ज़्यादा काटे जा रहे हैं। फिर मैपिंग और मैनेजिंग करने के लिए नेचर रिसोर्स, ये सारे सब को यूज़ करने के लिए जो होते हैं रिमोट सेंसिंग यूज़ होती है। दूसरी तरफ GIS जो होता है, जिसको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, ये सिस्टम होता है ताकि कैप्चर स्टोर और एनालाइज कर सके और मैनेज कर सके जो प्रेजेंट स्पेशल और जियोग्राफिक डाटा, जो स्पेस से जो डाटा इकट्ठा किया जाता है, इसकी मदद से एनालाइज की जाती है कि सॉइल रूइन के कहाँ पे ज़मीनी कटाव हो रहा है। फिर प्लानिंग की जाती है अर्बन और रूरल डेवलपमेंट की, फिर मैनेजिंग किया जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की, असेसिंग की जाती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स और कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की जाती है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है कि एनवायरमेंट में ये क्या रोल प्ले करता है। इसी का पार्ट सी जो है, व्हाट आर केपलर लॉज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ प्लैनेट, के प्लेनेट की मोशन के लिहाज से केपलर का क्या लॉ था। अब केपलर जो होता है उसका लॉ इसके लॉ को कहते हैं जी प्लैनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन, और इसको 3 साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइब करते हैं। जो फर्स्ट लॉ होता है उसके मुताबिक वो कहता है कि ऑल प्लांट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस, कि एक फोकस पे जो है ना वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरे लॉ में कहता है लॉ ऑफ एरियाज, के ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, के एक इक्वल वक्त में एक जो ज्वाइनिंग प्लैनेट्स होते हैं वो सन को स्वीप आउट करते हैं इक्वल एरिया के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी सेम स्पीड के साथ जो है ना वो घूमते हैं। और थर्ड लॉ पीरियड था कि जो स्क्वेयर होता है ऑर्बिटल का, कि ऑर्बिटल ऑफ पीरियड ऑफ ए प्लैनेट के एक स्क्वेयर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट के, उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके अराउंड जो होता है उसके क्यूब के बारे में होता है। तो ये इसके 3 लॉ थे, जिसमें फर्स्ट लॉ में वो कहता है कि एलिप्टिकल वो मूवमेंट करते हैं, दूसरे में वो कहता है कि सेम जो होता है ना वो स्पीड के साथ मूवमेंट करते हैं, और तीसरे में वो कहता है कि जो इसका स्क्वेयर होता है वो इक्वल होता है दूसरे के सेमी फोकस। ऑप्शन डी की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स,
इसको एग्जांपल के साथ ब्रीफली डिस्कस करना है। तो प्रिजर्वेटिव में क्या है कि ऐसे शब्द हैं जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए उसमें ऐड किए जाते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल, पेंट्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स, वुड और मैनी अदर प्रोडक्ट्स में कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि माइक्रोबल की ग्रोथ वगैरह को भी उनको या फिर अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस से प्रिवेंट किया जाए। तो इन चीज़ों को कहते हैं प्रिजर्वेटिव। इसके एग्जाम्पल जो है सोडियम बेजोनेट है, फिर ये एसिडिक फूड और इनहिबिट कर देता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मोल्ड और यीस्ट। एंटीऑक्सीडेंट जबकि इसके ऑपोजिट देखा जाए तो वो मॉलिक्यूल होते हैं जो बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर देते हैं ऑफ अदर मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीडेशन जो क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जब होंगे तो वो मजीद चीज़ों से रिएक्शन करके उसको डैमेज करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है ताकि प्रोटेक्ट किए बॉडी को डैमेजिंग इफेक्ट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे। कॉमन एग्जाम्पल इसमें विटामिन सी और विटामिन ई हैं जी, जो कॉमनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट को तौर पर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी फोर। फोर का ये जो पार्ट है उसका, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन इन द बॉडी। तो ये डाइट वाले जो है वो टॉपिक में से आया है। अब इसका क्वेश्चन क्या है जी कि कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की हमारी बॉडी पे क्या असर होते हैं। तो रोल ऑफ अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बॉडी का मेन सोर्स एनर्जी है, क्रूशल होते हैं हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गन मसल और नर्वस सिस्टम के लिए, क्योंकि ये ब्रोकन डाउन होते हैं ग्लूकोज में और ग्लूकोज हमें जो है वो बॉडी के जो सेल होते हैं उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट फाउंड होते हैं फूड में, उनमें ग्रेन्स वगैरह, लेग्यूम्स यानी ये जो दालें वगैरह होती हैं इनमें पाए जाते हैं, और ये हमारी सेहत को मेंटेन रखने के लिए, हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए हेल्प देते हैं। जबकि रोल ऑफ अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होते हैं वो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं लेकिन ये बॉडी की फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी हैं। ये हमें एनर्जी प्रोडक्शन में, वाउंड हीलिंग में, यानी जो जख्म वगैरह उनको भरने में, बोन की फॉर्मेशन, इम्यूनिटी, आई और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो विजन के लिए, विटामिन सी इंपॉर्टेंट है जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन एंड एज एन ऑक्सीडेंट, और फिर विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट और बोन की हेल्थ के लिए नेसेसरी होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है फाइव का बी पार्ट है, डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज। तो लीवर और पेंक्रियाज की फंक्शनिंग क्या होती है इन दोनों ऑर्गन की हमारी बॉडी में। अब जो लीवर है, लीवर क्या करता है जी कि ये लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है हमारी बॉडी में, यानी हमारे जिस्म का अगर सबसे बड़ा कोई ऑर्गन है तो वो लीवर है। परफॉर्म करता है सेवरल क्रिटिकल फंक्शन जिसमें क्या है जी, मेंटेन रखता है हमारी हेल्थ को। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ऑब्जर्व करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से, और डिटरमिन करता है कि हमें शुगर लेवल, हाउ मच शुगर लेवल, प्रोटीन्स और फैट इंटर द ब्लड स्ट्रीम के कितने हिसाब से जो है ना वो इंटर होने चाहिए। ये बाइल को मैन्युफैक्चर करता है और असेंशियल सब्सटेंस है डाइजेस्टिंग करने के लिए, फैट्स वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए, विटामिन डी, ए, डी, ई एंड के को, क्योंकि लीवर जो होता है वो डिटॉक्सीफाई करता है पोटेंशियली हार्मफुल बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, उनको डिटॉक्सीफाई करता है बाय द बॉडी, जैसे कि अमोनिया वगैरह, और इन अमोनिया को जो है ना वो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको हेल्प करता है हमें, फिर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन जो होते हैं उनको भी ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के, जो खून कट वगैरह के बाद हमारा जम जाता है। अगर बात करें पेंक्रियाज की फंक्शनिंग, तो पेंक्रियाज जो होता है वो ड्यूल फंक्शन प्ले करता है, डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वो है जिसमें हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, तो ये पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसमें से पेंक्रियाटिक जूस, जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है तो इसमें से पेंक्रियाटिक जूस जो निकलता है। अब पेंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम हमें हेल्प करते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में। अगर एंडोक्राइनोलॉजिकली बात करें, यानी इसमें से जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, तो ये सेक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब ये इंसुलिन और ग्लूकागोन का क्या काम है, ये ब्लड स्ट्रीम में रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। जो इंसुलिन होता है वो शुगर लेवल को लोअर करता है, जबकि जो फैसिलेटिंग करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू टिश्यू, जबकि जो ग्लूकागोन होता है वो रेज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट करने से कि लीवर टू रिलीज स्टोर ग्लूकोज। इस तरह ये जो है ना वो एनर्जी प्रोडक्शन में एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं। तो ये इन दोनों ऑर्गन के फंक्शन में डिफरेंस है। व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउ हैवी मेटल्स इन द वाटर अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है वो WHO ने कुछ सेट किए हुए हैं। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड जो होते हैं वो ऐसी गाइडलाइन होती हैं सेट, जो मैक्सिमम जो अलाउएबल वाटर लेवल जो होता है कंटामिनेट्स, यानी पानी में कितनी जो होती हैं वो साथ में हो सकती हैं, तो वो ठीक है, वो पानी इतना नुकसानदेह नहीं होता, तो वो कंसीडर किया जाता है ह्यूमन की कंजप्शन के लिए। तो ये कुछ टिपिकल स्टैंडर्ड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन इतना होना चाहिए, हाइड्रोजन इतना, फिर उसमें
वजीद जो चीज़ें हैं, मेटल्स वगैरह, वो थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो ये सारे जो है ना वो पैरामीटर्स होते हैं जो WHO ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सेट किए हुए हैं, और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, जिसमें पैरामीटर pH कितनी होनी चाहिए, फिर वो टर्बिडिटी उस पानी की कितनी होनी चाहिए, माइक्रोबियल कंटेंट उसमें, कंसनट्रेशन और कंपाउंड लाइक नाइट्रेट्स, लेड, आर्सेनिक और अदर हैवी मेटल जो होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है कि वो पानी में उनकी कितनी मिकदार में होने चाहिए। तो ये कुछ जो है ना वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं पानी के स्टैंडर्ड के लिए। देखें जो आप साथ में क्वेश्चन में है कि हैवी मेटल कैसे इफेक्ट करते हैं वाटर की जो उसकी क्वालिटी होती है उसको, तो हैवी मेटल जिस तरह लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, तो ये जब पाए जाते हैं पानी में तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो अमाउंट में भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। ये एकुमुलेट होते हैं हमारी बॉडी में और टाइम के साथ साथ पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। इनके सिस्टम क्या होते हैं कि हमें नोजिया, वोमिटिंग वगैरह आती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। इक्वेटिक एमिस जो इको सिस्टम है, जिस जो पानी में रहते हैं जिंदार, उनके लिए जो जो हैवी मेटल्स होती हैं वो डिसरप्ट करती हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को और फूड चेन्स को, जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिड्यूस होती है और इक्वेटिव लाइफ की डेथ हो जाती है। तो इंश्योर करना चाहिए कि जो वाटर के स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से वाटर मिले ह्यूमंस को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो वाटर हार्मफुल ना हो। डी है जी, वट इज रेडियो एक्टिविटी, डिस्कस द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नेम टू रेडियो एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनस्टेबल अटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, वो लॉस करते हैं एनर्जी का इमिट करने से रेडिएशन, यानी वो एनर्जी जब जया करते हैं बहुत अनस्टेबल होते हैं तो उनमें से एनर्जी जो होती है वो रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है। ये अनस्टेबल होते हैं और ये न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म होते हैं स्टेबल वन के लिए जब एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। अब लॉज की बात करें ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, डिके में क्या होता है कि रेट जो होता है डिके का ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट, कि उसमें कितने रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट है उस लिहाज से जो है ना उसका डिके होता है, उसमें से वो रेडिएशन निकलती है। दूसरा लॉ ऑफ सक्सेसिव डिस इंटीग्रेशन, तो लॉ ऑफ सक्सेसिव डिस इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव सीरीज चलती है जिसमें हाफ लाइफ जो होती है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो कॉन्स्टेंट और इंडिपेंडेंट होती है फिजिकल और केमिकल कंडीशन से। तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, तो इसमें जो होता है जो ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके होता है एनर्जी और मोमेंटम जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं, तो सम ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी होता है प्रोडक्ट वो इक्विलिविंग करता है एनर्जी लॉस बाय द डिकेइंग न्यूक्लियस। अब टू रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं यूरेनियम है और रेडियम है। यूरेनियम जो होता है वो हैवी मेटल है जिसको फ्यूल के लिए और न्यूक्लियर रिएक्टर वेपन वगैरह में यूज किया जाता है, और रेडियम जो होता है वो मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था, ये हिस्टोरिकली यूज होता है ल्यूमिनस पेंट्स फॉर वॉच डायल्स में। अब ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए असेंशियल है कि आपको मैनेजिंग करें इट्स यूज इन मेडिसिन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए इनको इस्तेमाल करने में ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो ए ऑप्शन है, व्हाट आर द प्लांट न्यूट्रिशन एलिमेंट्स। अब कौन से न्यूट्रिशन हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के जो है ग्रोथ के लिए प्लांट्स के लिए जरूरी है। अब प्लांट्स न्यूट्रिशन एलिमेंट्स, प्लांट न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द केमिकल एलिमेंट नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, ऐसे केमिकल जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं उनको प्लांट न्यूट्रिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये सेवरल हैं जी, कुछ असेंशियल हैं जो प्लांट्स के लिए, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। मैक्रो होते हैं जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं क्वांटिटी में, और माइक्रो होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब जो मैक्रो में चाहिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्योंकि DNA का हिस्सा होता है, प्रोटीन का हिस्सा होता है, इसलिए ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। फॉस्फोरस जो होता है वो एनर्जी ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चर के लिए। फिर पोटासियम जो होता है ये एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। कैल्शियम जो होता है वो सेल की स्टेबिलिटी और सिग्नलिंग के जरिए होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल का पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जो ग्रीन कलर का होता है। और सल्फर जो होता है वो अमीनो एसिड और विटामिन के लिए जरूरी होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो नीडेड होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, उनको माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में। अब इसमें आयरन आता है Fe जो कि क्लोरोफिल सिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज है जो फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन असिमिलेशन में काम देता है। बोरॉन है जो सेल वॉल फॉर्मेशन और मेम्ब्रेन फंक्शन करने में हेल्प देता है। और जिंक है जो एंजाइम के फंक्शन और ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये थे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए चाहिए। कॉपर है जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के लिए, मोलिब्डेनम में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और क्लोरीन है जो ऑस्मोसिस और आयनिक बैलेंस के लिए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं न्यूट्रिशन के लिए, ये न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं प्लांट्स के लिए।
क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, गिव एग्जांपल, फाइव एग्जांपल ऑफ ईच। अब डिफरेंस क्या है जी, सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम होता है, वो ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह फोन में सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो वो इसको एक कंप्यूटर को जो है परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। ये इनटेंजिबल होता है, यानी हम इसको छू नहीं सकते, इसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं द हार्डवेयर व्हाट टू डू, के हार्डवेयर ने क्या करना है। सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जाता है आगे दो टाइप्स में, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होती हैं वो चीज़ें जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने में यूटिलिटीज और एप्लीकेशन वगैरह को हेल्प करती हैं टास्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए। जबकि दूसरे नंबर पे आता है जी हार्डवेयर, हार्डवेयर का रेफर करता है जी के फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जिसमें माउस है, फिर जो है ना वो आपका मोनिटर है, कीबोर्ड है, ये सारे जो है जिनको हम टच भी कर सकते हैं, जिसमें सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव वगैरह, जो मदरबोर्ड वगैरह, ये सारे जो हार्डवेयर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो है फाइव, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें विंडो है, मैक है, लिनक्स है, वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट की, जो वेब ब्राउजर वगैरह, डेटाबेस मैनेजमेंट और एंटीवायरस प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। हार्डवेयर में जो सीपीयू है, फिर रैम है, एचडीडी है, एसडीडी है, हार्ड डिस्क यानी सॉलिड स्टेट, और फिर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है वो हार्डवेयर में आते हैं। What are types of earthquake waves discuss them? अब जो earthquake waves हैं, जो जलजले की waves हैं, जिनकी वजह से जलजला आता है, उनको seismic waves कहते हैं। ये travel करती हैं जी through the earth interior or along its surface, के ज़मीन के interior से, अंदरूनी से लेके ये surface तक आती हैं। आगे अब इनकी three main types हैं जिनको primary waves कहते हैं। Primary waves वो होती हैं जो fastest types of होती हैं wave, और ये first arrive आती हैं seismic station after earthquake, जैसे earthquake को तक seismic station तक पहुँचती हैं। P waves जो होते हैं, यानी primary waves जो होती हैं, वो comprehensional waves होती हैं, ये travel करती हैं through solid, liquid and gases, यानी तीनों medium से ये pass हो जाती हैं। दूसरे number पे आते हैं secondary waves। secondary waves जो होती हैं वो arrive करती हैं after P waves and can only move through solid material, ये सिर्फ solid material से गुजर सकती हैं। They are shear waves, ये shear waves होती हैं, मतलब कि ये shake कर देती हैं ground को, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, जिस तरफ ये बाहर रही होती हैं परपेंडिकुलर उसके होती हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स जो होती हैं ये ट्रैवल करती हैं अलोंग द अर्थ सरफेस, अर्थ जमीन के सरफेस के साथ ट्रैवल करती हैं, और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं ड्यू टू लार्जर एम्पलीट्यूड एंड लॉन्गर ड्यूरेशन की वजह से। आगे ये भी टू टाइप्स की होती हैं, जिसमें लव वेव्स हैं और रेलिक वेव्स हैं। लव वेव्स जिनको हॉरिजेंटली शेयरिंग ऑफ द ग्राउंड करती हैं, और जो रेलिक हैं वो रोल करती हैं अलोंग द ग्राउंड, जस्ट लाइक ओशन वेव्स, जैसे समुंदर की वेव्स होती हैं। नेक्स्ट है जी डी। डी में है कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूडल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड गामा रेडिएशन। तो लॉन्गिट्यूडल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और गामा रेडिएशन में क्या फर्क है? अब जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो ऐसी वेव्स होती हैं जो इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज द सेम डायरेक्शन एज आर द ऑपोजिट डायरेक्शन, या तो जो उनका मीडियम होता है डिस्प्लेसमेंट का, जगह तब्दील होने का, वो एक डायरेक्शन होता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, जिस साइड पर वेव्स बढ़ रही होती है। साउंड वेव्स इन एयर आर क्लासिक एग्जांपल, जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स हैं इनकी एग्जांपल जो है वो साउंड वेव्स, जो जिन वेव्स की वजह से आवाज़ पैदा होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो एनर्जी की फॉर्म है, ये दैट ऑल अराउंड अस एंड मेक मेनी फॉर्म्स, इसकी बहुत सी शेप हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रेडियो वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स, एक्सरे वेव्स, गामा वेव्स आती हैं, गामा रेज। ये मेड अप होती हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के, और आइसोलेट करती हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इट इज़ आल्सो फॉर्म्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी बनी होती है। गामा रेडिएशन की बात करें तो गामा रेडिएशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की रेडिएशन की टाइप है, ये सिमिलर एक्सरे होती है, लेकिन इनकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। ये प्रोड्यूस होती हैं बाय द डिके ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, और कैपेबल होती हैं पेनिट्रेटिंग ऑलमोस्ट एनी मेटल, किसी भी मेटल में ये पेनिट्रेट कर जाती हैं। गामा रेज होती हैं वो डैमेज करती हैं लिविंग सेल्स को, और यूज़ होती हैं मेडिसिन में, ताकि कैंसर सेल वगैरह को थेरापी में किल कर सके। तो ये थे सेक्शन ए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे इसी पेपर की सेक्शन बी को 2024 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी, लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।